आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना YouTube चैनल परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव YouTube चैनल डिलीट करके दिखाऊंगा। ये मेरा YouTube चैनल है, इस पे 595 सब्सक्राइबर हैं, 10 वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसको मैं डिलीट करके दिखाऊंगा। आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने YouTube में आके, जैसे ही हम यहाँ पे अपने YouTube पे आ गए हैं, अब यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका YouTube चैनल दिखेगा। आपको स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका YouTube चैनल है, YouTube चैनल के ऊपर आपको आपकी ईमेल आईडी दिखेगी। या फिर आपको ईमेल आईडी पहले से याद है तो अच्छी बात है। आपको अपनी ये जो YouTube चैनल बना हुआ है जिस ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी को नोट कर लेना है, उसको याद कर लेना है, क्योंकि इस ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। यदि इस ईमेल आईडी को आपने गलत याद कर लिया, राइट, या फिर आपको ईमेल आईडी पता नहीं है, तो फिर यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं हो पाएगा, गलत यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रख लेना है, देख लेनी है अपनी ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बना है। उसके बाद में आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में जीमेल ऐप में जाना है। जीमेल ऐप में आप जैसे ही जाएंगे, ऊपर आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडीज होंगी आपके सामने आ जाएंगी। अब आप जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है, यानी कि जिस यूट्यूब सॉरी आपका जो यूट्यूब चैनल है वो जिस ईमेल आईडी से बना है, उसी वाली ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस टाइप से। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको प्रोफाइल आइकन पे ऊपर दोबारा क्लिक करना है, या फिर वो ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है तो अच्छी बात है। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी के नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी का, होम पर्सनल इन्फो, यहाँ पे इसके साइड में डाटा एंड प्राइवेसी का, ऐसे करके ये ऑप्शन से यहीं पे आपको डाटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट ए गूगल सर्विस। आपको इस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखना है, डिलीट ए गूगल सर्विस, आपको यही वाला ऑप्शन देखना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट योर गूगल अकाउंट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, वरना फिर आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा, राइट। हम अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको यहाँ पे डिलीट ए गूगल सर्विस पे क्लिक करना है ओनली। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट डाल देना है, यदि आप फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं, और यदि आप पैटर्न डालते हैं अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक के लिए पैटर्न का यूज करते हैं तो पैटर्न डाल दें। जैसे ही आप डालेंगे ये यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा, या फिर हो सकता है ये आपसे OTP मांगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाए तो वो OTP डालना है, या हो सकता है ये आपसे आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछे, यदि ये पासवर्ड पूछता है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ सकता है, राइट। यहाँ पे जो भी आपसे ये पूछे वो आपको डालना पड़ेगा, ज़्यादातर आपका काम फिंगरप्रिंट या पैटर्न डालने में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कि आप इस अकाउंट से अपना YouTube चैनल बनाए हुए हैं जिसपे 10 वीडियो अपलोडेड हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे Gmail का यूज भी करते हैं इस वाले अकाउंट से, तो आप क्या डिलीट करना चाहते हैं? हम यहाँ पे अपना YouTube चैनल डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें 10 वीडियोस अपलोडेड हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिलीट वाला ये जो ऑप्शन है, हम सिंपल सा इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके साइड में जो ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखेगा, आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको इनकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना है यहाँ पे दोनों जगह, और डिलीट माई कंटेंट पे क्लिक कर देना है आपको। और जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट माई कंटेंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, राइट, जो कि मैंने आपको बताई थी कि आप अपनी ईमेल आईडी याद कर लें, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, आपकी यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भी दिखेगी। जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद में आपको डिलीट माय कंटेंट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप डिलीट माय कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आपका कंटेंट, आपकी जो वीडियोज वगैरह होंगी, आपके सब्सक्राइबर होंगे, मतलब सारा आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन और रहता है कि क्या हम YouTube चैनल एक बार डिलीट करके फिर उसी वाली ईमेल आईडी से दोबारा YouTube चैनल बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। आपकी जैसी ईमेल आईडी से आपने YouTube चैनल डिलीट किया है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे जैसी की तैसी है, ईमेल आईडी का कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अब आप उस वाली ईमेल आईडी से अपना दोबारा यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप अपने यूट्यूब चैनल डिलीट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।